सेकुलरवाद पर राष्ट्रवाद भारी पड़ा है और राष्ट्रवाद की आवश्यकता वो आज का प्रमाण है। और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि वो पोकरण में शुरुआत हुई है। ये पोकरण के नगरी वैसे भी प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ जब परमाणु विस्फोट हुआ तब भी विश्व में इसकी पूरी चर्चा हुई थी। और आज ये जो राष्ट्रवाद की आवाज़ अल्पसंख्यक ने उठाई है ये भी पूरे विश्व में जाएगी। किस रूप में लेते हैं आप, जिस तरीके से अचानक से समर्थन मिलना बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। इनके अंदर जो राष्ट्रभाव है, मुख्य धारा से जुड़ने का जो सपना है, इनके बच्चों का सपना है, इनका खुद का है, इनके साथ जो हो रहा है, इन्होंने देखा है कि हमारा पिछले 70 वर्षों से हमारा कैसा दुरुपयोग हुआ, हमारा कैसा शोषण हुआ है, क्यों हम प्रजातंत्र में स्वतंत्र क्यों नहीं है, हम बंधुआ मजदूरी की तरह क्यों रहे हैं और क्यों उनके पीछे चले। इसलिए अच्छा कदम उठाया है। मैं धन्यवाद, शुक्रिया, आभार व्यक्त करता हूं पोकरण के क्षेत्र के समस्त अल्पसंख्यक लोगों का कि उन्होंने एक बहुत कठोर कदम उठा करके देश की मुख्य धारा से जुड़ करके अपना परिचय दिया कि हम कौन है। पहला ऐतिहासिक दृश्य देखने को मिला आज, क्या बहुत ही जरूरी था क्योंकि हम सीमा पर बैठे हैं और हमारा जो भाईचारा, हमारा जो अपनत्व हमारे पुरखों ने यहाँ निभाया था, वो फिर वापस इसी मुख्य धारा में जुड़ करके ये परिचय दे रहे हैं कि हम देश के सच्चे नागरिक और सीमा पर खड़े हैं। इसलिए देश हमारा स्वरूप ही है और हम सब लोग मिलकर के देश के सपूत बन के देश की सेवा करेंगे, चाहे राजनीतिक बात आए, चाहे देश की विकास की बात आए। हम सब मिलकर के राजनीति में भी हम लोग देश के विकास में खड़े रहेंगे और देश के निर्माण में भी हम हर प्रकार से खड़े रहेंगे। आज इन्होंने परिचय दिया, मैं पुनः इनका आभार व्यक्त करता हूं। क्या संदेश देना चाहते हैं पब्लिक को आप, जिस तरीके से माहौल देख रहे हैं? ये जो संदेश तो जनता ने दे दिया, इन लोगों ने दे दिया कि चाहे कितना ही बरगला दें, कोई कितना ही दबाव दे दें, परंतु जिसके अंदर जज्बा है देशभक्ति का, वो अपना परिचय दे के रहेगा, ना किसी से दबेगा, ना बिकेगा, ना बटेगा, ना रुकेगा, ना झुकेगा, वो देश का सम्मान बढ़ाने के लिए खड़ा होगा। इसलिए आज इन लोगों ने अपना परिचय दिया है। इनसे आप लगातार संपर्क में थे 5 साल तक, क्या ऐसी विभिन्न समस्या इन्होंने बताई राजस्थान सरकार के लेकर जिसके कारण आज इन्होंने? कोई ऐसी इनकी जो समस्या थी उनका कभी हल हुआ ही नहीं। शोषण हुआ, साथ नहीं दिया, साथ लिया जरूर है, परंतु इनकी जब घरों की ढाणियों की जाके हालत देखता हूं तो इनके बच्चे किस प्रकार से रह रहे हैं, मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं इनके बच्चे। ये देश के राष्ट्रीय नागरिक हैं, समान नागरिकता के तहत इनको भी अधिकार वो मिलने चाहिए। दोगलापन नहीं करें, वोट दे या नहीं दे, परंतु इनकी सुविधाएं क्यों नहीं दी, जिनसे वोट लिया और फिर भी इनको सुविधाएं नहीं दी। लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में भी कई अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं जो आपको लगातार स्वागत भी कर रहे हैं, आपका साथ भी दे रहे हैं, क्या एक ऐसी बात कहना चाहेंगे? वो संत का धर्म दे करके, क्योंकि संत का धर्म तो समत्व है, संत का धर्म उनके बैठे अंदर से अपने स्वरूप को पहचानने वाला। हम चाहते हैं ये भटके नहीं और भटके हुए हैं तो मुख्य धारा से जुड़ जाए। मेरे व्यवहार ने, मेरे गुरु महाराज की कृपा ने इनके हृदय में कुछ जगह बनाई और मेरा उद्देश्य एक ही है कि इनको मैं देश की मुख्य धारा से जोड़कर देश को मजबूत करूं।